सब्सक्राइब करें धर्मेंद्र टूर चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वाटरफॉल, कौन सा, शीतला माता वाटरफॉल दिखाने वाले हैं जो कि मानपुर में स्थित है। गाइस, शीतला माता वाटरफॉल जाने के लिए आप अपने स्वयं के वाहन से जाएं, क्योंकि मेन रोड तक हम बस से जा सकते हैं, इसके बाद अंदर पैदल चलना पड़ेगा अगर आप अपने खुद के वाहन से नहीं जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के वाहन से जाएं या फिर रेंट पर लेकर जाएं, क्योंकि यहां पर आपको ये जो रास्ता है काफ़ी अंदर तक पैदल जाना पड़ता है। ये जो रास्ते में जाम लगा हुआ है गाइस, ये शीतला माता वाटरफॉल जाने और आने वालों का जाम है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है, पूरा रास्ता भरा हुआ है। भीड़ देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा है। आज है 15 अगस्त, जाम बहुत ज़्यादा लगा था, तो अभी जो है हम लोग जाम से बाहर आ गए हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शीतला माता फॉल। शीतला माता वाटरफॉल पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको शीतला माता वाटरफॉल। जाने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आने में आपको थोड़ा सा थकान जरूर लगेगी, ज़्यादा नीचे है, उसके बाद जो है पैदल भी चलना पड़ता है शीतला माता वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। अभी तो बहुत नीचे के साथ आया था, ऊपर तो चला जाएगा, कहाँ है नीचे। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बीच में आपको शीतला माता का टेम्पल मिलेगा, वहाँ से आप शीतला माता का दर्शन कर सकते हैं जो बीच में है। ये देखो, ये है टेम्पल जहाँ पर शीतला माता विराजमान है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हो आप। अभी और नीचे है गाइस, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो अभी आपको चलते रहना है। और ये जो सामने टेम्पल है वो शीतला माता का, ऊपर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, सीढ़ियों से आते समय भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर भी, जो शीतला माता के दर्शन करने के लिए लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी थी। यहाँ पर आप बीच बीच में आपको नींबू पानी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है गाइस, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, एकदम हरे भरे। तो ये आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए अभी और चलते हैं नीचे। तो अभी गाइस आपको नीचे चलते रहना है, अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, तो अभी चलते रहना है आपको। देख सकते हैं चारों तरफ की हरियाली कितनी अच्छी है, और बारिश का सीजन है तो और ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, देख सकते हो काफ़ी एडवेंचर प्लेस है, देख सकते हो शीतला माता वाटरफॉल। अभी यहाँ पर जो है हम लोग नीचे पहुँच गए हैं, नीचे तक। अभी यहाँ से पत्थरों के बीच से हमें पैदल चलना पड़ेगा शीतला माता वाटरफॉल पहुँचने के लिए। देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इन पत्थरों पर चढ़कर आपको शीतला माता वाटरफॉल तक पहुँचना पड़ेगा। ये सारे के सारे नुकीले पत्थर जो आप देख रहे हो, इन पर चढ़कर आपको वाटरफॉल तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस आप छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं, जो 3 साल के 5 साल के 7 साल के हैं, क्योंकि पत्थरों पर चढ़ चढ़ के हमें शीतला माता वाटरफॉल तक पहुँचना पड़ता है। तो इसलिए आप छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ज़रा सा भी अगर पैर फिसला पत्थर पे चढ़ते वक्त या फिर क्रॉस करते वक्त, तो आप तो गिरोगे ही, साथ में बच्चों को भी गिराएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो गोदी में उठा उठा कर, जो पैदल चलना भी नहीं जानते, उनको यहाँ पर लोग लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और बच्चों को ना लाएं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को। क्राउड देख रहे हो गाइस, ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये है शीतला माता वाटरफॉल की। ये जो आप देख रहे हो कितनी खतरनाक भीड़ है, और जाम तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा हुआ है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।
और कुछ इस प्रकार से है। ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पत्थरों से पूरा वाटरफॉल भरा हुआ है, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है, देख सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा क्राउड तो है, लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चढ़ चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। इन बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर आपको वाटरफॉल तक पहुँचना रहता है, तो देख सकते हो। इसलिए कह रहा था छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं, जो 3 साल के हैं, 5 साल, 7 साल, बिल्कुल भी ना लाएं उनको, या फिर कभी आप अकेले आ सकते हैं यहाँ पर, पर छोटे छोटे बच्चों को लाना यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ज़रा सा भी पैर फिसल जाएगा, पत्थर है, पत्थर लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ना लाएं। तो ये है गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, वो एक जगह और एक और ही, एक यहाँ पर वो, दो जगह से पानी यहाँ पर निकलता है ऊपर से। तो ये कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि आज है 15 अगस्त और प्लस में संडे भी है आज, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, ये देख सकते हो सभी लोग, तो बहुत ज़्यादा है क्राउड और काफ़ी ज़्यादा लोग नहा भी रहे हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से क्राउड है, ये देखिए दोनों झरने आपको दिख रहे हैं। बहुत खतरनाक सीन है, क्यों